सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। कुरान पाक की एक आयत एक ख़ास मज़मून को समझाने के लिए मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए और आप सभी हज़रात को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आयत करीबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो आदमी आमाल सालिहा करेगा तो आमाल सालिहा पर हम उसकी ज़िंदगी अच्छी कर देंगे, हम उसे हयात तय्यबा अता करेंगे, हम उसकी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर देंगे और आखिरत में हम उसे बहुत बड़ा अजर अता करने वाले हैं। वो अच्छे आमाल करता था, उस अच्छे आमाल का अजर हम उसे आखिरत में अता करेंगे। मोहतरम हज़रात, हम सब ये बात जानते हैं कि इंसान की तख्लीक का मकसद भी यही है कि इंसान दुनिया में रहकर अच्छे आमाल करे। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا। अल्लाह वो ज़ात है जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया। अल्लाह आगे खुद इन दोनों की पैदाइश का मकसद बतलाते हैं। वो जानना चाहता है, देखना चाहता है कि तुम में से कौन अच्छे आमाल करके लाता है। وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, वो निहायत ही गालिब कुदरत वाला है कि गुनाहों पर सजा दे सकता है लेकिन गफूर भी है, बंदा जब उसकी तरफ रुजू करता है तो वो बख्श देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, तुम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अल्लाह के फजल के बगैर जन्नत में जा सके।
अपने आमाल पर जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह के फजल पर जन्नत में जाएगा। तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, क्या आप भी अपने आमाल पर जन्नत में नहीं जाएंगे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ जी हाँ, मैं भी अल्लाह के फजल की बुनियाद पर ही जन्नत में जाऊंगा। इसे समझ में आया कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह पाक कुछ आमाल की तौफीक देते हैं और इंसान अपनी नेकियों के एतबार से कुछ बढ़ोतरी कर लेता है, तो इंसान को अपने आमाल पर गमन नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने आमाल पर गुरूर पैदा नहीं करना चाहिए। तो याद रहे, इंसान की जिंदगी से निकलने वाले आमाल मतलूब तो है, लेकिन इंसान उन आमाल पर भरोसा न करे। उन आमाल की वजह से इंसान में गमन और गुरूर पैदा न हो जाए, मेरे पास तो बहुत बड़ा आमाल का जखीरा हो गया। बसाओकात देखने में आता है, सुनने में आता है, लोगों से मिलने जुलने में ये बात समझ में आ रही है कि इंसान अपने किए हुए करतूतों पर इतरा इतरा कर चलता है, अपने आमाल पर भरोसा करने लगता है, अपने आमाल को बहुत बड़ा समझने लगता है। और जो भोले भाले मुसलमान भाई जिससे कुछ इस तरह के आमाल नहीं होते हैं, उनको वो बहुत घटिया समझते हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज की मजलिस में यही मजमून पेश कर दिया जाए कि इंसान को अल्लाह पाक जो कुछ तौफीक दे रहे हैं अच्छे आमाल करने की, उस पर इंसान अपनी तबीयत में गुरूर और तकब्बुर पैदा ना करे, बल्कि अल्लाह का फजल समझे। अल्लाह का फजल समझे कि अल्लाह ने मुझे नेक आमाल की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह हम सबको इस बात का इस्तेहजार अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल जिक्र फरमाई और इरशाद फरमाया, गुज़िश्ता उम्मतों का एक आदमी जिसने 500 साल मुसलसल इबादत की थी, पहले ज़माने की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थी, कोई 500 साल, कोई 700 साल, कोई 900 साल की उम्र का होता था, बहुत तवील उम्र पाते थे। मैंने कहीं किताब में पढ़ा था कि उस ज़माने में 300 साल की उम्र पर तो बुलूग बालिग होता था, आदमी बालिग होता था। तो उनमें से एक आदमी ने 500 साल की इबादत की थी। जब उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, उस आदमी को मेरे फजल की बुनियाद पर जन्नत में ले जाओ, मेरे रहम करम और एहसान की वजह से उसे जन्नत में ले जाओ। तो वो आदमी ताज्जुब करने लगा, या अल्लाह, 500 साल की इबादत, मुसलसल इबादत की, एक लम्हा भी मैंने आगे पीछे नहीं किया, और अब भी तेरे फजल से जन्नत में जाऊं? तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, उसे जरा जहन्नम के करीब ले जाओ। करीब भी कितना? 500 साल की मसाफत का फासला रखना, उससे आगे मत ले जाना। जब वहां पहुंचे तो जहन्नम से गर्मी का एक झोंका आया, इंतहाई शदीद गर्मी थी। वो आदमी वावेला करने लगा, पानी दो, पानी दो। एक पानी का प्याला सामने लाया गया, पानी देने वाला भी अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता ही मुकर्रर था। उसने कहा, पानी तो देता हूं, लेकिन एक शर्त पर कि मुझे ये 500 साल की इबादत दे दो। पानी की शिद्दत और प्यास की शिद्दत का आलम यह था
कि उसने फौरन 500 साल की इबादत दे दी और पानी का प्याला ले लिया। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, अब बताओ कैसे जन्नत में जा पाओगे, नेकी तो है नहीं आपके पास। बंदा कहने लगा, अल्लाह आपके फजलो करम से ही जन्नत में जाऊंगा। हदीस में आता है, ये तो एक प्याला यहां का है जिसकी वजह से आपकी 500 साल की इबादत ले ली गई। आपने 500 साल की इबादत को एक प्याले के एवज में बेच दिया। वहां दुनिया में वो एक पत्थर पर जहां तू इबादत किया करता था और वहां अल्लाह पाक तुझे एक ठंडा प्याला पिलाते थे, उसकी कीमत तो अदा करो। बंदा आजीज हो गया, हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, अल्लाह मैं तेरे फजल पर राजी हूं, मैं तेरे फजल से जन्नत में जा सकता हूं। मेरे भाइयों, रमजान मुबारक में अल्लाह पाक कितनी अच्छी अच्छी नेमतें खिला रहे हैं, कितना ठंडा पानी पिला रहे हैं, कितनी ठंडी आइटमें हमें अल्लाह पाक खिलाते और पिलाते हैं। इस एक एक नेमत का हमसे हिसाब होगा। बहरहाल मुझे जो आज का मजमून पेश करना है वो ये है कि आदमी अपने आमाल पर कभी भी गुरूर पैदा न करे। हमारे आमाल कुछ भी नहीं है, अल्लाह की रहमत के सामने कुछ भी हैसियत नहीं रखती। एक रिवायत में आता है, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने हजरत उबै इब्ने काब रदी अल्लाह तआला से इरशाद फरमाया कि आप मुझे कोई नसीहत करो। हजरत उबै इब्ने काब रदी अल्लाह तआला कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको कैसे नसीहत करूं। लेकिन चूंकि उस जमाने में नसीहत करने और सुनने का बहुत आम रिवाज था, तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बार बार इसरार करने लगे, आप मुझे कोई नसीहत फरमाइए। उस पर हजरत उबै इब्ने काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, देखो अमीरुल मोमिनीन, आखिरत में आदमी 70 नबियों के आमाल के बराबर भी अपने आमाल लेकर जाएगा तो वो कम पड़ जाएंगे। यानी 70 नबी की जिंदगी में किए हुए आमाल के बराबर एक आदमी इतने आमाल लेकर जाए फिर भी वहां कम पड़ जाएंगे। वहां की हौलनाकी को जब देखेगा, वहां जहन्नम की हौलनाकी को जब देखेगा, तो ये तमन्ना करने लगेगा, अगर मैं पैदा होने से मरते दम तक सजदे में रहता तो भी ये मेरे आमाल थोड़े थे, कुछ भी नहीं होगा, मेरे आमाल से कुछ भी नहीं। ये हजरत उबै इब्ने काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत फरमाई। मोहतरम हजरात, जो भी अमल हो अल्लाह पाक का फजल समझे, अल्लाह का एहसान समझे। तौफीक उसी अल्लाह ने दी, हम नमाज पढ़ रहे हैं, तौफीक उसकी बारगाह से मिली, तिलावत कर रहे हैं, तौफीक उसकी बारगाह से मिली, जिक्र कर रहे हैं, तौफीक उसकी बारगाह से मिली। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, तौफीक भी उसके डर से मिलती है, वरना इंसान को अच्छे आमाल करने की तौफीक भी नहीं मिल सकती। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर जुमला, जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनका सर अपने बेटे अब्दुल्लाह की गोद में था। कहा, अब्दुल्लाह मेरा सर नीचे रख दो। नीचे रखवा दिया और मिट्टी में अपनी दाढ़ी और रुखसारों को रगड़ने लगे और इरशाद फरमाने लगे, वैलुल लक या उमर इल्लम यग़फिर लक रब्बक, ए उमर तेरा क्या बनेगा अगर तेरी मगफिरत न हुई, तेरे परवरदिगार ने तेरे गुनाह माफ नहीं किए तो तेरा क्या हाल होगा। ये कहकर रोने लगे, इस कदर हजरात सहाबा डरते थे। हालांकि उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत ज्यादा नेकियां थी,
बहुत बड़े आदमी थे, नेकियों के लिए उन्होंने अपने आप को मिटा दिया था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के खौफ का ये आलम था। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आता है, वो कहते कभी काश में कोई तिनका होता, मुझसे हिसाब किताब न होता। कभी यूं कहा करते थे, मैं किसी इंसान के जिस्म का एक बाल होता, कभी टूट जाता और मेरा हिसाब न होता। कभी कहते, एक मर्तबा बाग में गए और एक परिंदे को देखा, कहा काश मैं भी परिंदा होता, क्या ही तू लुत्फ से खा रहा है, पी रहा है, साये में रह रहा है और तुझे हिसाब व किताब का कोई डर भी नहीं है। हालांकि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े मकाम के मालिक थे, जन्नत के आंखों दरवाजे जिनके लिए पुकार करेंगे, मुझसे दाखिल हो जाओ, मुझसे दाखिल हो जाओ, मुझसे दाखिल। कितने बड़े बड़े आमाल करने वाले थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर खुद इरशाद फरमाया, मैंने सबके बदले चुका दिए लेकिन अबू बकर का बदला नहीं दे सकता हूँ और न मैंने दिया है, उसका बदला तो आखिरत में अल्लाह पाक खुद ही देंगे। हर मौके पर हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिदमात पेश की है। कभी ऐसा न हुआ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न रहे हो, सफर में भी, हजर में भी, हर हाल में रिफाकत थी, लेकिन अपने आमाल के बावजूद उनके अंदर डर लगा हुआ था। भाइयों, हमें भी अपने आमाल की वजह से गमन पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का फजल समझना चाहिए। देखो, किताबों में एक मिसाल दी है, आपने देखा होगा किसी दरख्त को, फलदार दरख्त जो होता है उसके अंदर झुकाव होता है, और जिस दरख्त पर फल न हो वो ऊपर उठता चला जाता है, सीधा होता चला जाता है। तो आमाल जितने कबूल होंगे उससे इंसान की तबीयत में तवाज़ु पैदा होती है, और जब तवाज़ु का मादा इंसान को हासिल हो जाता है तो आमाल के बावजूद उसे डर लगने लगता है, क्या मालूम अल्लाह के यहां कबूल भी होगा या नहीं। और आमाल में जब गमन और गुरूर आने लगता है तो उलमा ने लिखा है ये आमाल के अदम कबूलियत की निशानी है, अल्लाह के दरबार में आपके आमाल कबूल नहीं है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत में गमन और गुरूर पैदा हो। इसलिए हमें भी अपने आमाल पर गुरूर कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने नफ्स को ततोलते रहना चाहिए, अल्लाह का डर पैदा करते रहना चाहिए। मैंने मुनासिब समझा कि आदमी को रमज़ान मुबारक में कुछ अच्छे आमाल की तौफीक अल्लाह की जानिब से हो जाती है तो उसको ये हमको इस मज़मून का इस्तेहज़ार पैदा हो जाए कि उन आमाल को अल्लाह का फजल समझे। हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो नसीहत की है उसमें से एक नसीहत ये भी थी, देखो अपने इस बात को सामने मत रखना और धोखा मत खाना कि मैं सहाबी रसूल हूँ, ये सहाबी होना तुम्हें धोखे में न डाले। हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नसीहत फरमाई है कि आप अपने आमाल को ततोलते रहना, आप अपने नफ्स का जायजा लेते रहना, अपने बाप का नबी होना ये आपको गुरूर में और तकब्बुर में मुब्तला न करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम खानदान वालों को ये ही नसीहत फरमाई थी। इसलिए आदमी आखिरत का इस्तेहसार पैदा करे, आमाल करने के बावजूद भी अल्लाह से डरता रहे, कबूलियत की भीख मांगता रहे, अल्लाह अगर तूने मेरी ये नक्काली कबूल कर ली तो तुझे जेब देता है, और अगर तूने कबूल न भी किया तो वो तेरी शान के मुताबिक तो नहीं है, मैं तेरे सामने आजिज बंदा हूँ, गोया इस बात का इस्तेहजार पैदा करे, अपने आमाल की वजह से गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला न हो। अल्लाह इस
अमल कबीहा से, गुरूर और तकब्बुल से, तकब्बुर से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, और आमाल के बाद भी अल्लाह का फजल समझने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। बस इन्हीं बातों पर मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।